वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो पांच इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको चाहिए एक वाटर कलर पेंटिंग को करने के लिए। मार्केट में वाटर कलर के डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं जो अलग अलग तरह के वाटर कलर पेपर प्रोवाइड करते हैं। जो मैं यूज़ करता हूँ, आर्टो ब्रांड है एक, उसका जो 300 GSM वाला पेपर है मैं वो यूज़ करता हूँ। ये ना ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। लास्ट टाइम मैंने यूज किया था ये अनुपम ब्रांड है, उसका कोल्ड प्रेस भी 300 GSM। सो फ्रेंड्स, लिस्ट में दूसरा मटेरियल है वाटर कलर्स। वैसे मार्केट में काफी ब्रांड के आपको वाटर कलर्स मिल जाएंगे, पर जो मैं यूज करता हूँ वो है कैमल आर्टिस्ट वाटर कलर्स। इसमें भी दो ग्रेड के वाटर कलर आते हैं, एक तो ये आर्टिस्ट ग्रेड होता है और एक होता है फॉर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा परचेज करने के लिए, क्योंकि ये ड्राई होने के बाद चौकी टाइप के हो जाते हैं। मतलब अगर ड्राई हो जाएगा और आप इसको रब करेंगे अपनी उंगली से तो आपके उंगलियों पर लग जाएगा ये, तो ये सजेस्ट नहीं करूँगा। और इसमें ये मेरे पास 18 शीट्स का बॉक्स है और मेरे पास 24 शेड्स का भी है, पर मैं जनरली 18 शेड्स से ही कलर करना प्रेफर करता हूँ। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कम से कम शेड्स यूज़ करें और खुद से ट्राई करें नए नए शेड्स बनाने की कलर मिक्स करके, वो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो फ्रेंड्स, जो तीसरा मटेरियल है वो है ब्रशेस। मेरे पास इसके लिए भी काफ़ी सवाल आते हैं कि आप कौन सा ब्रश यूज़ करते हैं, कितने साइज़ का ब्रश यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मैं यूज़ करता हूँ राउंड ब्रशेस। देखिए फ्रेंड्स, राउंड ब्रश और फ्लैट ब्रश में थोड़ा डिफरेंट होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये फ्लैट ब्रशेज है जो कि एक्रेलिक और ऑयल पेंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और ये वाटर कलर के लिए। आप चाहें तो इससे भी वाटर कलर कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको बहुत सारे साइज के ब्रश चाहिए होंगे, क्योंकि इसका साइज अगर आप देखिए इसी डायरेक्शन में कर सकते हैं या इस डायरेक्शन में कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में कर सकते हैं। इसको पॉइंटेड बनाने में बहुत ही मुश्किल आएगी, मुश्किल होगी आपको, पर जो राउंड ब्रश होता है उससे आप बहुत सारा एरिया कवर कर सकते हैं। इसको आप पॉइंटेड भी कर सकते हैं, अगर आप इसको पानी में डिप करेंगे तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी पॉइंटेड हो गया। और जो बड़ा ब्रश आप बड़े एरिया को पेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वही ब्रश, वही सेम ब्रश से आप थोड़ी डिटेलिंग भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं लगभग सारी पेंटिंग्स मैंने बस ये तीन राउंड ब्रशेस से ही की है, अपनी जितनी भी वाटर कलर पेंटिंग है। ये इसका साइज 6 है, मार्केट में लेने जाएंगे तो ब्रश में ही यहाँ या हैंडल पे या टॉप पे कहीं लिखा होगा 6 साइज। इसका साइज 0 है और इसका 000। ये एकदम जो बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, जैसे कि हेयर, ये बहुत ही पतले हेयर हैं, उसको करने के लिए। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल है वो है मास्किंग फ्लूड। मास्किंग फ्लूड अवेलेबल है इजली मार्केट में, ये देख सकते हैं गिर गया, तो इससे इजीली मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका यूज़ क्या है। फ्रेंड्स, इसका यूज़ क्या होता है, अगर आपको जैसे इस पोर्ट्रेट में मुझे क्या करना था कि जो ये शेडोज़ हैं, मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पे जब मैं बेस लेयर अप्लाई करूँ तो यहाँ पे कलर हो, तो मैंने क्या किया, मैंने मास्किंग फ्लूड यहाँ पे अप्लाई किया और उसके ऊपर से बेस लेयर करना चालू किया। तो बाद में क्या हुआ कि जो मैंने मास्किंग फ्लूड अप्लाई किया था वो इजीली रिमूव हो गया और मास्किंग फ्लूड के नीचे पेंट नहीं हुआ। तो अगर आपको कोई एरिया है जो कि आपको पेंट नहीं करना, उससे उसको बचाना है कलर से, तो आप मास्किंग फ्लूड यूज कर सकते हैं।
इजीली ये रिमूव भी हो जाता है फ्रेंड्स, देखिए इजीली ये अभी थोड़ा वेट है, पर अगर आप थोड़ी देर बाद देखेंगे ये इजीली रिमूव भी हो जाएगा, देखिए बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा। तो इसकी केयर करने भी इतनी जरूरी है, इसको हवा से बचाना होता है। ये देखिए जस्ट लाइक रबर, रबर बन गया है और ये भी रिमूव हो जाएगा बहुत इजीली। तो इसका यही यूज होता है कि अगर आपको कोई एरिया है उसको अगर आप कलर नहीं करना चाहते, उसको बचाना है कलर से, तो आप वो यू मास्किंग फ्लूइड वहां पे अप्लाई कर सकते हैं और बाद में उसको ऐसे ही रिमूव कर सकते हैं इजीली। ये देखिए इजीली रिमूव हो गया। और ये हवा से एकदम सूख जाता है तो इसकी थोड़ी केयर करनी मुश्किल है। ये देखिए इसको हमेशा कवर करके रखना पड़ता है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन पे, कि मैंने कहाँ से बाय किया था इसको। सो फ्रेंड्स, हमारी लिस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गई है और ये लास्ट मटेरियल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वाटर कलर पेंटिंग के लिए, और वो है टिश्यू पेपर। तो फ्रेंड्स, टिश्यू पेपर के फायदे काफ़ी हैं अगर आप वाटर कलर पेंटिंग कर रहे हैं। अगर आपका ब्रश वेट है और आपको उसको यूज करना है, दूसरा कलर यूज करना है, तो वेट ब्रश को ट्राई कर सकते हैं पहला यूज। दूसरा यूज जैसे इस पेंटिंग में, मैं जब ये जो जैसे पेंट ड्रिप हो रहा है यहाँ से ऐसा इफेक्ट आ रखा है, तो इसमें मैंने क्या किया था, पेंट किया था और जहाँ पे डार्क कलर हो गया था वहाँ पे मैंने थोड़ा ब्रश से, एकदम वेट ब्रश से थोड़ा वाटर ऐड किया और टिश्यू पेपर से डैब किया, तो उससे क्या हुआ, जो एक्सेस जो कलर था यहाँ पे वो टिश्यू पेपर पर आ गया। और कभी कभी गलती से क्या होता है, आपका कलर स्पिल हो जाता है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा कलर स्पिल हो गया था। मैंने क्या किया, एक ड्राई टिश्यू पेपर लिया और उसको जल्दी से वाइप कर लिया। तो ये काफ़ी यूजफुल है अगर आप वाटर कलर कर रहे हैं तो आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कहीं पर कलर स्पिल हो जाता है, आपको ब्रश को साफ करना है, तो उसके लिए आप, अगर आपको हाथ साफ करने हैं तो उसके लिए काफी यूज होता है इसके। मेरी काफी सारी पेंटिंग खराब हो गई है क्योंकि मेरे पास उस वक्त टिश्यू पेपर नहीं था। तो क्या होता है, मेरे से भी काफी बार क्या हो जाता है कि अगर आपका थोड़ा सा हाथ हिल गया तो कलर बाहर चला जाता है, तो उस वक्त क्या कर सकते हैं आप, पानी से एक फ्रेश ब्रश से पानी में डिप करके जल्दी से जहां भी बाहर चला गया, जैसे यहाँ पे थोड़ा बाहर गया था मेरे से, वहां पे रब करें और टिश्यू पेपर से डैब करें, तो वो कलर वहां से हट जाएगा और इस पे आ जाएगा कलर। तो काफी यूजफुल है टिश्यू पेपर भी वाटर कलर पेंटिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, लिस्ट में बस इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं आगे और भी ट्यूटोरियल वीडियोस बनाने जा रहा हूँ जिसपे मैं अपनी सारी टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वाटर कलर पेंटिंग के लिए। मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स, सो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।